अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी सहित अगस्त क्रांति मंच के सैकड़ों क्रांतिकारी साथियों के द्वारा दिनांक 19 नवंबर 2022 से नई गढ़ी जनपद पंचायत के 300 से अधिक गांवों में विकास धूड़ो पद यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा के दूसरे दिन हकरिया ग्राम पंचायत से प्रारंभ हुई, जहाँ से विकास धूड़ो पद यात्रा के लोग विकास ढूंढते हुए ग्राम पंचायत जोधपुर पहुंचे, जहां ग्राम पंचायत में खुद का पंचायत भवन नहीं मिला तो वहीं स्कूल की बिल्डिंग में अस्थाई पंचायत भवन संचालित हो रहा है, जहां उसी कमरे में भूसा रखा मिला और बगल में टटिया लगाकर पंचायत भवन संचालित हो रहा था। सरकारी बिल्डिंग में भूसा रखकर उसका अतिक्रमण किया गया था। वहीं बाउंड्री वॉल का घटिया निर्माण कार्य देखने को मिला। सड़क की तो हालत इतनी जर्जर थी कि एक वर्ष पहले जो सड़क बनी थी आज वह चलने लायक नहीं है। विकास धूड़ो टीम के लोगों ने जोधपुर ग्राम पंचायत का विकास देखा। इसके बाद विकास धूड़ो पदयात्रा ग्राम पंचायत पहल पार पहुंची, जहां माता मंदिर के पास चबूतरा निर्माण के नाम पर राशि आहरित कर ली गई थी, वहीं निर्माण कार्य नहीं कराया गया। बड़ा सवाल ये उठता है कि जब अभी तक निर्माण कार्य के नाम पर एक गड्ढा भी नहीं बनाया गया तो किस मूल्यांकन के आधार पर लाखों रुपए निकाल लिए गए हैं। इसके बाद पदयात्रा भदावल ग्राम पंचायत पहुंची, जहां विद्यालय जर्जर भवन में संचालित होती मिली, जहां देश के भविष्य बनाने के लिए शिक्षा दी जाती है। शिक्षा के मंदिर की जर्जर हालात देखने को मिली। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में इसे मेंटेनेंस के नाम पर 5 लाख रुपए से ज्यादा की राशि आहरित कर ली गई है। भदावल ग्राम पंचायत में जल पान गृह के नाम पर राशि आहरित की गई, जबकि भवन अधूरा मिला। स्कूल की दुर्दशा इस कदर थी कि स्कूल के अंदर 3-3 शौचालय बनाए गए, लेकिन कोई भी शौचालय उपयोग करने के लायक देखने को नहीं मिला। वहीं विद्यालय की बाउंड्री वॉल काफी गुणवत्ता विहीन कार्य कराया गया और पिलर नहीं भरे गए, जबकि बाउंड्री खड़ी कर दी गई और गेट नहीं लगाया गया। तालाब सौंदर्यीकरण के नाम पर ग्रामीणों ने बताया कि राशि आहरित कर ली गई, लेकिन सौंदर्यीकरण कागजों में सिमट कर रह गया, धरातल में कुछ विकास हुआ ही नहीं। इसके बाद पदयात्रा ग्राम में पहुंची, जहां PCC सड़क के नाम पर किस प्रकार लीपापोती की गई थी यह तो देखने लायक ही था। PCC निर्माण के नाम पर जिस प्रकार से लीपापोती की गई थी, मानो ऐसा लग रहा था कि भ्रष्टाचारियों का एक संगठित गिरोह काम कर रहा है और विकास के नाम पर केवल कागजों में विकास हो रहा है। कागजों में कूप का निर्माण किया गया था। ग्रामीणों ने बताया कि तालाब महज कागजों में बना दिए गए थे, धरातल में कुछ भी नहीं मिला। पशु सेठ के नाम पर पैसे निकाल दिए गए। पवन कुमार पांडे ने बताया कि आज तक उसके यहाँ PCC का निर्माण कार्य नहीं हुआ, जबकि पैसे निकाल लिए गए। शौचालय का टैंक पूरी तरह खुला मिला। सड़क नाली और पानी के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार दिखा। वहीं कसियार गांव से चलकर गढ़वा ग्राम पंचायत में पदयात्रा समाप्त हुई, जहां पर रात्रि विश्राम हो गया और सुबह से फिर विकास धूड़ो पदयात्रा प्रारंभ होगी। ये ग्राम पंचायत भवन में भूसा किसका रखा हुआ है? कौन है सरपंच? धनंजय सिंह। ये ग्राम पंचायत का भवन है, जोधपुर ग्राम पंचायत का, आप लोग देख सकते हैं, इधर देखिए, है ना, है ना, जिसमें भूसा ग्राम पंचायत के अंदर पहले में भरा हुआ है। ये पंचायत ढूंढो पद यात्रा जोधपुर में थी, जहां आपने देखा कि किस तरह से सरकारी बिल्डिंग में भूसा भरा हुआ है। दिमाग में भूसा भरा सुना था, और जब दिमाग में भूसा भर जाता है तो शिक्षा केंद्रों में भूसा भरा जाता है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पानी की समस्या, रोड की समस्या, आवास जिनको किसी तरह से मिल भी गया था तो एक एक साल से उनका जियो टैग नहीं हुआ, जियो टैग करने वाला कोई नहीं। नाली बनी नहीं, बनी तो केवल पत्थर रखा हुआ है। ये गरीब लोग हैं, अनगिनत समस्याएं इनके पास हैं, ये परेशान हैं। इनको इनका विकास चाहिए जो कहीं गुम गया है, जिसे हम ढूंढने निकले हैं। विकास ढूंढो पदयात्रा जोधपुर से अब निकलेगी, परसदा पहल वाली रास्ता चलेगा।